उत्तर प्रदेश जिला बरेली में फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने पकड़ी 25 लाख की अवैध शराब। हरियाणा से बिहार ले जा रही थी 345 पेटी शराब। आपको बता दें, बरेली फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से अवैध रूप से बिहार ले जा रही 345 पेटी शराब को पकड़ा। दो अभियुक्तियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्ति ने बताया कि वो फरीदाबाद के एस इंडस्ट्री के शराब लौट कर बिहार भेजते हैं। इलाज कहाँ हो रहा था इसका? दोनों भी बीज सकते ये एक ट्रक में दारू पकड़ी गई जो हरियाणा निवासी थे और बिहार ले जाई जा रही थी। थाना फतेहगंज पश्चिम में सुराग रसी करके ये ट्रक पकड़ा गया जिसमें 345 पेटियां दारू की मिली हैं। एक पेटी में 12 बोतल आती हैं। इसकी कीमत जो बिहार में एक पवे की कीमत 500 रुपये है तो करीब 82 लाख रुपये बैठती है। दो लोग हैं इसमें जो गिरफ्तार किए गए हैं। एक भाग गया है, जहाँ ले जाए जा रही थी, जहाँ से ला रहे थे उनके नाम पता ज्ञात किए जा रहे हैं, मुकदमा लिख लिया गया है, कार्रवाई करेंगे। सर, ये लोग कहाँ से कहाँ ले गए? ये हरियाणा निर्मित है और बिहार ले जा रहे थे। सर, इससे पहले भी लोग इससे पहले नहीं गए? पता कराया जा रहा है इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है।